वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइन। किसे नाराज कर गए तेवर के लीड एक्टर्स के लिंकअप र्यूमर्स। एसआरके ने अपनी अपकमिंग फिल्म से दिल्ली के फैंस को कनेक्ट करने के लिए शुरू की कौन सी तैयारी। सलमान ने पूरा किया जैकलिन को किया हुआ कौन सा प्रॉमिस। स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर मना रहे सैफ करीना की प्राइवेसी में किसने दिया दखल। बॉलीवुड में अक्सर फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म के लीड एक्टर्स को लेकर र्यूमर्स और गॉसिप सामने आती है, और ऐसे ही कुछ र्यूमर्स की शिकार हुई है तेवर, क्योंकि अर्जुन सोनाक्षी के लिंक र्यूमर्स ने कर दिया है फिल्म के प्रोड्यूसर्स को नाराज। शेर का दुश्मन शेर का खूनी होता है, जो शिकारी को नेक्स्ट डे बता देता है कि मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, आओ मार जाओ मुझे। कुछ साल पहले सलमान खान ने कुछ यही कहकर निकाली थी एक फिल्म की रिलीज के दौरान बाहर आने वाले रूमर्स की हवा। सेट के ऊपर एक सबके सब चौकन्ने रहते हैं आजकल के, बिगनिंग ऑफ द फिल्म से लेके एंड ऑफ द फिल्म तक के कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसको एक बहुत बड़ा बना दे। हमारे ही लोग शायद ये करते होंगे। और अब शायद ऐसे ही रूमर्स और गॉसिप्स का अननेसेसरली शिकार होती दिख रही है अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म तेवर। खबर है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स रोज रोज सामने आने वाली अर्जुन सोनाक्षी के लिंकअप की खबरों से नाराज हैं। अपेरेंटली फिल्म के प्रोड्यूसर्स को मीडिया में इनके लिंकअप की बातें सुनकर हैरानी हो रही है, इसलिए सुनने में आया है कि वो ये तलाश करने में जुटे हैं कि आखिर ऐसी खबरें आ कहां से रही हैं, कौन ऐसी खबरें स्प्रेड कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि पहले अर्जुन सोनाक्षी के झूठे लिंकअप के रूमर्स बेवजह सामने आए, और रिसेंटली हद तो तब हो गई जब सामने आ गया अर्जुन सोनाक्षी के ब्रेकअप का रूमर, वो भी तब जब सोनाक्षी और अर्जुन कई कई बार इन लिंकअप रूमर्स पर सफाई दे चुके थे। Funniest gossip you've heard in 2014 about anything? Funniest gossip? Every day some rubbish keeps coming. Yeah. Link up with Chai. Link up with Arjun. Yeah. We laugh about it. Because I've known Arjun for so long. Yeah. We've worked on an entire film together. He lives behind my house. How difficult is it for him to pick up the phone? And, just say, come on, let's go for a movie. Come on. Yeah. So, yeah, these things you don't pay attention to. वैसे यहाँ पर बताना जरूरी है कि सलमान खान पहले भी इशारा कर चुके हैं कि जब कोई फिल्म रिलीज तक आती है तो फिल्म से जुड़े लोग ही ऐसी बातों को हवा देते हैं। शेर का दुश्मन शेर का खूनी होता है, जो शिकारी को नेक्स्ट डे बता देता है कि मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, आओ मार जाओ मुझे। सेट के ऊपर एक सबके सब चौकन्ने रहते हैं आजकल के, बिगनिंग ऑफ द फिल्म से लेके एंड ऑफ द फिल्म तक के कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसको एक बहुत बड़ा बना दे। हमारे ही लोग शायद ये करते होंगे। ऐसे में तेवर के प्रोड्यूसर्स के लिए ये पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि उनकी यूनिट और तेवर टीम में से किसने अर्जुन सोनाक्षी के लिंकअप रूमर्स को हवा दी थी। वहीं तेवर के मेकर्स में खुद बोनी कपूर भी हैं, इसीलिए लगता है कि पापा बोनी कपूर तक भी आखिरकार वो खबर पहुंची गई है जिसकी शिकायत ये दोनों स्टार्स करना चाहते थे। मैं पापा से बात करूंगी। बाइबल शत्रु जी कहते योर पापा से दैट नो मेरे पापा तो मेरे पापा है। ब्यूरो रिपोर्ट जूम मुंबई। शाहरुख खान के दिल्ली में रहने वाले फैंस के लिए है एक गुड न्यूज। वेल, एसआरके अपने दिल्ली के फैंस को देने जा रहे हैं कौन सा गिफ्ट, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। अपने फैंस को शाहरुख देने वाले हैं एक नायाब तोहफा, लेकिन अब की बार बात मन्नत से बाहर निकलकर मुंबई में अपने फैंस से रूबरू होते शाहरुख की नहीं हो रही है, बल्कि अब की बार तो शाहरुख के दिल्ली में रहने वाले फैंस को मिलेगा शाहरुख के लिए अपना क्रेज दिखाने का मौका। जी हाँ, अपनी फिल्म फैन के जरिए हो सकता है कि शाहरुख अपने फैंस को दिल्ली से जुड़ी उनकी यादों से रूबरू करा दे। ये तो सभी जानते हैं कि शाहरुख दिल्ली से है और खुद को दिल्ली वाला बताने में कभी पीछे नहीं रहते, और अब सोर्सेज से पता चला है कि शाहरुख खान की फिल्म फैन में कुछ पोर्शंस दिल्ली में शूट किए जाएंगे। फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि शाहरुख की जो दिल्ली से जुड़ी
ओरिजिनल बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लाई जाए। दिल्ली से आए शाहरुख आज मुंबई ही नहीं पूरी दुनिया में किंग खान के नाम से जाने जाते हैं, और लिहाजा उनकी फिल्म फैन में ओरिजिनलिटी के करीब जाने की कोशिश में हो सकता है कि हम शाहरुख की दिल्ली वाली गलियों से भी गुजरे, उनके दिल्ली के यार दोस्तों की झलक भी पाए, और ये सब फिल्म फैन से शायद बड़े पर्दे पर साकार हो जाए। दिल्ली में फैन के पोर्शंस काफी पहले शूट होने थे लेकिन शाहरुख के प्रायर कमिटमेंट्स के चलते ऐसा हो ना सका। वेल बट बेटर लेट देन नेवर। वी हियर दैट किंग खान इज ऑल सेट टू विजिट दिल्ली दिस जनवरी एंड ही इज रेडी टू इंट्रोड्यूस अस टू अ वर्ल्ड वेयर ही ग्रू अप। फैन के फैंस के लिए ये तो वाकई एक ट्रीट होगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। ये सलमान के लिए बस एक डायलॉग नहीं है, सलमान रियल लाइफ में भी अपने इस फिल्मी डायलॉग को फॉलो करते हैं, और हाल ही में अपने एक को-स्टार को किए प्रॉमिस को सलमान ने किया फुलफिल। सलमान खान ने पूरा किया है जैकलीन से किया हुआ अपना एक वादा, और वो वादा है श्रीलंका में जैकलीन का होटल विजिट करने का। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि किक में सलमान खान की कोस्टार रही जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका से है, और ये भी आपको पता चल ही गया होगा कि न्यू ईयर से पहले सलमान ने श्रीलंका विजिट किया, और अब अपनी श्रीलंका ट्रिप की बाकी डिटेल्स खुद सलमान खान ने अपने फैंस के सामने रख दी है। दरअसल सलमान, who had done an eye camp in Sri Lanka while shooting for Ready, was told by Jacqueline that if he does another eye camp there, he should visit her restaurant also. Salman kept his promise and visited her restaurant. And not just this, he also said that he would be going back for more. इतना ही नहीं, सलमान ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर खुद से अपनी श्रीलंका विजिट की ये डिटेल्स फैंस के साथ शेयर की। सलमान ने लिखा, While shooting Kick, Jacqueline told me if we do another eye camp in Sri Lanka, I should visit her restaurant also. We did a camp this week and I kept my promise and went to Jacqueline's restaurant. यानी सलमान खान के इस कमिटमेंट फुलफिलिंग एक्ट से इतना तो एक बार फिर से क्लियर हो गया है कि he is a man of his words and keeps his promises. फिर चाहे वो हो कोई एक्टर या फिर कोई कोस्टार, सलमान अपना वादा निभाना नहीं भूलते। और अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. पीसी के इंटरनेशनल एल्बम के अलावा पीसी का एक इंटरनेशनल कैंपेन सामने आ गया है। इस कैंपेन की डिटेल्स आपको देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में फीचर हुई थी यूनिसेफ के एक स्पेशल वीडियो में, जहां उन्होंने जॉन लेनन के इमेजिन सॉन्ग की कुछ लाइनें गाई थी, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इस गाने की कुछ खास पिक्चर्स। Priyanka, who is the only Bollywood actress to have recorded an international single, went on to be featured in the United Nations special video along with Katy Perry, Will.i.am, Courtney Cox and many more. Imagine is an initiative to raise awareness about children's rights and also to raise funds to support the cause. Darasal Priyanka is associated with UNICEF since 2008 and was titled Goodwill Ambassador in 2010. She also is the only Indian celebrity to feature in the video. Bureau Report, Zoom, Mumbai. अमिताभ बच्चन का एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ रिसेंटली उनके ब्लॉग पर नजर आया है, आप भी देखिए। अमिताभ बच्चन की सक्सेस में गुड लक और हार्ड वर्क का क्या रेशो है, इस बात का भले ही किसी के पास एक्यूरेट आंसर ना हो, पर इन सब के बीच बिग बी ने कन्फेस कर दिया है साइंस माने जाने वाली एस्ट्रोलॉजी के लिए अपना अट्रैक्शन। जी हाँ, बिग बी के हाथ में अक्सर नजर आने वाली अंगूठियां तो आपने भी नोटिस की होंगी, और अब जब मौका नए साल का है, साल 2015 को लेकर हो रहे प्रेडिक्शंस में कई लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बिग बी ने भी इस बीच अपने ब्लॉग पर शेयर किया है कि किस तरह एस्ट्रोलॉजी उनका अटेंशन ग्रैब कर लेती है। अमिताभ के मुताबिक क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, कौन से डॉक्यूमेंट साइन किए जाए, इस बात का जिक्र करने वाले एस्ट्रोलॉजिकल कॉलम्स को अनदेखा करना उनके लिए मुश्किल है। अमिताभ ये भी मानते हैं कि चाहे कोई माने या ना माने, मगर प्रेडिक्शंस सभी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं। Yet no matter what we may believe in or disapprove, those thoughts and the desire remains altogether. We do visit that last zodiac column in the daily newspaper. Well, बात सिर्फ न्यूज़पेपर्स में एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स वाले कॉलम तक ही लिमिटेड नहीं है, बिग बी चैनल्स पर चलने वाले एस्ट्रोलॉजिकल शोज को भी नोटिस करते आए हैं। We do stop fiddling for a while on the remote to listen in to that appropriately dressed gentleman or woman predicting with suitable background score and the visuals of the universe spinning about in varied colors and hues what today or tomorrow or the coming days shall hold for you.
वेल अमिताभ और उनके रिंग्स के किस्से तो पुराने हैं, मगर अब 2015 की शुरुआत में बिग बी ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपने फैंस से ये शेयर कर दिया है कि उनके मुताबिक कोई भी प्रेडिक्शंस को अनदेखा नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर मना रहे सैफ करीना की प्राइवेसी में किसने दिया दखल। रिसेंटली खबर आई थी कि गवर्नमेंट के एक अपकमिंग कैंपेन में बिग बी भी नजर आएंगे, पर बिग बी ने ऐसे खबरों को गलत बता दिया है। टेक अ लुक। रिसेंटली स्वच्छ भारत अभियान में बिग बी के इन्वॉल्वमेंट के बाद खबर थी कि वो मोदी गवर्नमेंट के और बड़े कैंपेन का हिस्सा होंगे, लेकिन बिग बी ने फिलहाल किसी भी कैंपेन में शामिल होने की पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया है और इसकी वजह बिग बी ने बताई है कि उन्हें अब तक इस कैंपेन के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया। इसीलिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने मैसेज से बिग बी ने उन रीसेंट रिपोर्ट्स को गलत बता दिया है। The news by media that PM and PMO have asked me to be involved in a campaign film is incorrect. Kindly rectify. Thank you. दरअसल recently खबर आई थी कि बिग बी 26 जनवरी को लॉन्च किए जा रहे गवर्नमेंट के एक कैंपेन का हिस्सा बनने वाले हैं। इस कैंपेन का एम होगा टू राइज अबव कास्ट एंड रिलीजन, पर बिग बी ने फिलहाल इस कैंपेन से उनके एसोसिएशन की न्यूज को गलत बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। जहां एक तरफ पीके पर कंट्रोवर्सी चल रही है, वहीं अनुराग कश्यप अब खुलकर पीके के बचाव में आगे आ गए हैं। क्या है अनुराग का स्टैंड? फाइंड आउट नेक्स्ट। Looks like Anurag Kashyap has finally started appreciating mainstream Bollywood films too. और इतना ही नहीं, पर आजकल हर जगह अनुराग अपनी अपकमिंग फिल्म की हीरोइन और गुड फ्रेंड अनुष्का शर्मा को भी सपोर्ट करते दिख रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अनुष्का की रीसेंट रिलीज पीके के साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में, जहां बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज इस फिल्म को सपोर्ट करते दिखाई दिए, वहीं अनुराग भी उन सेलिब्रिटीज में से एक है। हाल ही में जब पीके के मेकर्स पर कुछ ग्रुप्स ने उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का ब्लेम किया, तो तब अनुराग स्पोक इन देयर डिफेंस, स्टेटिंग दैट बॉलीवुड में पहले भी रिलीजियस टॉपिक्स पर बेस्ड फिल्म्स बनी है, पर क्योंकि ये एक बिग बजट मूवी है, लोग इस पर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अनुराग ने ये भी बताया कि इस मूवी के कलेक्शंस ने भी दिखा दिया है कि ये मूवी सक्सेसफुल है, चाहे लोग कुछ भी कहे। इतना ही नहीं, अनुराग ने फिल्म में अनुष्का के परफॉर्मेंस की भी तारीफ की है। अपनी मूवीज को तो अनुराग डिफेंड करते ही थे, और अब उनके फिल्म फ्रेटर्निटी के दोस्तों को भी मिल रहा है उनका सपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सैफ और करीना न्यू ईयर मनाने स्विट्जरलैंड गए थे, पर खबर आई है कि उनकी प्राइवेसी में वहां भी पड़ गया दखल। वेल, बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने इस साल अपना न्यू ईयर मुंबई के बाहर सेलिब्रेट किया, और इन सेलिब्रिटीज में शामिल थे करीना कपूर और सैफ अली खान भी, जिन्होंने इस साल अपना न्यू ईयर स्विट्जरलैंड में सेलिब्रेट किया। पर जूम को मिली खबर के मुताबिक द सेलिब्रेशन डिड नॉट गो एज प्लान। दरअसल सैफ और करीना ने मुंबई से बाहर अपना न्यू ईयर शायद फैंस से बचने के लिए और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मनाने का डिसीजन लिया होगा, पर इन दोनों के स्टारडम ने इनका पीछा स्विट्जरलैंड में भी नहीं छोड़ा। दरअसल जिस होटल में ये दोनों ठहरे थे, उस होटल के बाकी गेस्ट को जब इनके वहाँ होने का पता चला था, तो दीज टू वर बॉम्बार्डेड विद फोटो रिक्वेस्ट एंड ऑटोग्राफ्स, जिसकी वजह से ना तो ये दोनों कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए और ना ही फैंस से दूर रह पाए। वेल, पर क्योंकि न्यू ईयर ईव था, इसीलिए इन दोनों ने पोलाइटली फैंस की रिक्वेस्ट को ऑब्लिज और फोटोज खींच ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। कांकी कोचलिन की मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ, जिसे लंदन फिल्म फेस्टिवल और इसे कई और फिल्म फेस्टिवल्स में ग्रेट रिव्यूज अब तक मिले हैं, इंडिया में रिलीज के लिए स्ट्रगल कर रही है। अपेरेंटली ये मूवी नीश ऑडियंसेस के लिए बनाई गई है और शायद सिर्फ उन्हें ही पसंद आए, और इसी की वजह से अब तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है। फिलहाल के लिए मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ को अप्रैल में रिलीज करने की बात चल रही है, लेकिन ये डेट भी कंफर्म नहीं है। वैसे आजकल ऑडियंसेस भले ही हर तरह की फिल्म्स और कंटेंट को एक्सेप्ट कर रही हो, लेकिन एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से थोड़े परेशान है, एज नॉट एवरी फिल्म विद स्ट्रॉन्ग कंटेंट मैनेजेस टू पुल द क्राउड टू द थिएटर्स। वेल, वी होप दैट दीज इश्यूज गेट सॉर्टेड आउट एंड गुड फिल्म्स लाइक दीज गेट देयर ड्यू रिलीज इन इंडिया। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई।
बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। दीपिका पादुकोण विल सून टर्न 29 ऑन द 6th ऑफ दिस मंथ और इस खास मौके को दीपिका ने इस साल रणवीर सिंह के साथ मनाने का मन बना लिया है। जी हाँ, दीपिका रिपोर्टेडली अपना 29th बर्थडे इस साल न्यूयॉर्क में रणवीर सिंह के साथ मनाएंगी। पिछले साल भी दीपिका ने अपने इस बिग डे को रणवीर सिंह के साथ ही सेलिब्रेट किया था। A case has been registered against the makers of PK. जी हाँ, राजकुमार हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा और आमिर खान के खिलाफ राजस्थान के एक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो चुका है फॉर हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। किसी बसंत गहलोत लाल ने इस केस को दर्ज करवाया है और FIR में आमिर, राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा इन तीनों के नाम मेंशन किए गए हैं। वैसे इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद PK बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन दर्ज कर बॉलीवुड की अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है। इतना ही नहीं पर इस फिल्म को बिहार में फ्री भी कर दिया गया है। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बासु के रिलेशनशिप की खबरें तो आए दिन आती रहती हैं। ऐसे में जूम के हाथ इस बार लगे बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर के पार्टी के कुछ पिक्चर्स। जी हाँ, इस अलजेड कपल ने न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट किया इन गोवा। बिपाशा ने हाल ही में हरमन बवेजा के साथ अपना अलजेड रिलेशनशिप खत्म किया, व्हाइल करण रिसेंटली एडमिटेड दैट ही एंड हिज एस्ट्रेंज्ड वाइफ जेनिफर विंगेट आर गेटिंग डिवोर्स्ड। करण और बिपाशा के बाद हमने अनुष्का और विराट को भी एक साथ सिडनी में स्पॉट किया। द कपल हु रिपोर्टेडली सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड न्यू ईयर इन ऑस्ट्रेलिया वाज क्लिक व्हाइल टेकिंग अ स्ट्रोल। वैसे कई महीनों तक चुप्पी साधे रखने के बाद फाइनली अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया है। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.